सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों आप अपने विंडोज 10 टेक्स्ट बार में जो है रिसाइकल बिन को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर जो है न्यू फोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका नेम जो है यहाँ पर टाइप करना है शॉर्टकट। ओके, अब ये नेम टाइप करने के बाद आपको आल्ट की होल्ड करते हुए आप जो अपना रिसाइकल बिन यहाँ पर ड्रैग कर देना है इस फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको अपने टेक्स्ट बार के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर टूल बार में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू टूल बार के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो फोल्डर बनाया था यहाँ पर शॉर्टकट का, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शॉर्टकट है यहाँ पर ऐड हो गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बार का शॉर्टकट का जो आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो टाइटल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका रिसाइकल बिन का जो लोगो था वो यहाँ पर ऐड हो गया है। फिर से आपको यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपको लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है रिसाइकल बिन को अपने टेक्स्ट बार में जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप डिस्प्ले पर से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास कोई भी डिलीट करने की कोई भी फोल्डर फाइल होगा तो आप यहाँ पर से लाकर अगर इसको ड्रैग करेंगे तो जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से भी। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इस रिसाइकल बिन को यहाँ पर से निकालना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर से डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट बार में जो है रिसाइकल बिन ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं अपने विंडोज 10 PC में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।